जो एनसीईआरटी साइंस के लिए काफ़ी अहम और काफ़ी महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि एक ही प्रकार के आवेश क्या है। आज का जो सवाल है, आज का जो टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप सभी के लिए है, और आप सभी ने इस सेशन को पढ़ा होगा कि इसको हम लोग इस तरह से जानेंगे कि यह पूरी तरह से जो सीरीज है यह एनसीईआरटी की साइंस है, और एनसीईआरटी की साइंस आपकी परीक्षा के लिए कितनी महत्वपूर्ण है यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। यह निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, और जहाँ जरूरत पड़े इसके प्रश्नों के स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। हम कोशिश करेंगे क्लास खत्म होने के बाद इसकी जो पूरी पीडीएफ और टेलीग्राम ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप के माध्यम से आपको मिल जाए। पहला सवाल आपके बोर्ड आपके डिस्प्ले पर आपको भी दिख रहा होगा कि एक ही प्रकार के आवेश क्या होते हैं। सभी लोग जवाब दीजिएगा, अच्छा है, गलत है, सही, जवाब सभी के आने चाहिए, और वीडियो को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एक दूसरे को प्रति आकर्षित होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे के प्रति उदासीन होते हैं, इसमें से कोई नहीं। अगर मैं उत्तर की बात करूँ, ज़्यादातर जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी लोगों ने, ज़्यादातर लोगों में इस प्रश्न का उत्तर ए दिया है। तो अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर ए दिया है, इसका मतलब यह है कि आपके जो जवाब हैं वो पूरी तरह से सही। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए। एक ही प्रकार के जो आवेश होते हैं वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे आप लोगों ने इस प्रश्न का जवाब दिया है, आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। इसी के साथ हम इसके नए प्रश्न की तरफ, नए सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा आप लोगों से कि आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक शेयर जरूर कर दें, ठीक है, ताकि इस सेशन का जो शुरुआत है वह भी आप लोग के साथ हो जाए और आप लोग इस सेशन के अंदर तक भी जुड़े रहें, ठीक है। तो हम इस सेशन को और आगे लेकर चलते हैं। अगला सवाल जो आपके सामने आपके बोर्ड पर है, विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के जो आवेश हैं वो क्या है? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे के प्रति उदासीन होते हैं। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे जवाब जरूर देंगे, सभी लोग फटाफट कमेंट करके। अगर विपरीत प्रकार के आवेशों की बात करें तो एकदम इंपॉर्टेंट है, इसके प्रश्नों के स्क्रीनशॉट जरूर लेकर चलते रहिएगा सभी लोग, ठीक है। देखिए, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? बी। अगर आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। हम और आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप हर प्रश्न के अपने पास स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखिएगा। यदि किसी वस्तु पर बराबर धनावेश या ऋणावेश हो तो वस्तु क्या कहलाती है? धनावेशित, ऋणावेशित, विद्युत उदासीन, इसमें से कोई नहीं। तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी मित्र इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा। वैसे मैंने भी इस वीडियो को शेयर कर दिया, वह आपकी भी जिम्मेदारी उतनी है वीडियो को शेयर करने की, ठीक है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी इस सेशन को शेयर जरूर करिएगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में, यदि किसी वस्तु पर बराबर धनावेश तथा ऋणावेश हो तो वस्तु क्या कहलाती है? सभी साथी जवाब दीजिएगा। जितने भी साथी मित्र इस प्रश्न को पढ़ रहे हैं, इस प्रश्न को हमारे साथ देख रहे हैं, उन सबका जवाब आना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं आप सबका जवाब भी जरूर आएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा। हम इसी के साथ बढ़ते हैं फिर से एक नए सवाल की तरफ, एक नए प्रश्न की तरफ, लेकिन इस प्रश्न के उत्तर को सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर होगा वो है आपका इस प्रश्न का उत्तर सी, विद्युत उदासीन। अगर आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया इस एनसीईआरटी के सेशन में, मैं आपसे बार बार कहूंगा आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर यदि किसी वस्तु पर बराबर धनावेश ऋणावेश है तो वस्तु विद्युत उदासीन कहलाती है, इस प्रश्न का उत्तर सही है। हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ जो आपके सामने है। आवेश की विधि में एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर परिवर्तित होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण। ठीक है, बताइए सभी लोग, आवेशन की विधि में एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर परिवर्तित होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण। जवाब सब लोग दीजिएगा और वीडियो को सभी लोग शेयर करिएगा। गलत या सही, जवाब सबके आने चाहिए, क्योंकि इससे ये होगा कि आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और हम लोग का भी आपके साथ पढ़ते चलेंगे। एकदम सही, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन बताया। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए इलेक्ट्रॉन बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है, ए वालों के जवाब यहां पर सही थे। अगला है, विद्युत आवेश का प्रवाह स्थापित करता है। विद्युत आवेश का जो प्रवाह है वो स्थापित करता है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं सर कई बार टॉपिक ये तो कुछ प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस भी है, तो याद रहे जब परीक्षा में हम तैयारी करते हैं तो अगर आपके सिलेबस में नहीं भी लिखा फिर भी आपको पढ़ना, क्योंकि हर एक प्रश्न सिलेबस और आउट ऑफ सिलेबस तब डिफाइन करता है जब परीक्षा हाल के अंदर होता है। इसलिए एनसीईआरटी को पूरा पढ़ लीजिएगा। अगर आउट ऑफ सिलेबस ही अगर आज आपने पढ़ लिया तो आपने बहुत बुरा नहीं किया, इससे साथ ही साथ आप तैयारी के काफी करीब पहुंच रहे हैं, इसलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा। सभी साथ इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा, विद्युत आवेश का जो प्रवाह क्या स्थापित करता है? एक विद्युत धारा, एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण। सभी लोग जवाब दीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, सभी लोगों तक पहुंचाइएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों ने एकदम दिया है। अगर मैं प्रश्नों की बात करूं तो ज्यादातर लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी और बी करके दिया है, यहां पर होगा एक विद्युत धारा।
अगर फाइव का अगर आप लोगों ने फिफ्थ का ए जितने लोगों ने बताया उन सब के जवाब पूरी तरह से सही और राइट है। हम और आगे चलते इसी के साथ, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए एक सफल प्रयास किया गया था किसके द्वारा? जी एफ डेनियल के द्वारा, अलेसांद्रो वोल्टा के द्वारा, विलियम गिल्बर्ट के द्वारा। तो सभी साथी फटाफट जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए एक सफल प्रयास किया गया था, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी जवाब देंगे गलत या सही। यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा अलेसांद्रो वोल्टा द्वारा, मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वी। अगर आपने भी प्रश्न का उत्तर वी बताए हैं तो आपके जवाब पूरी तरह से सही और थे। हम आगे बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ जो आपके सामने आपके बोर्ड पर है। अगला आपके सामने, वे मतलब दो भिन्न धातुओं की पत्तियां वोल्टी सेल में प्रयोग की जाती हैं, वे धातुएं हैं कापर तथा एल्यूमिनियम, कापर तथा सिल्वर, कापर तथा जिंक, कापर तथा लोहा। तो सभी लोग जवाब देंगे प्रश्न नंबर 7 का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चाहे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं जवाब जरूर दीजिएगा। दो भिन्न धातुओं की पत्तियां वोल्टी सेल में प्रयोग की जाती हैं, वे धातुएं हैं। सभी लोग जवाब देंगे फटाफट कमेंट करके। हाँ, कापर तथा जिंक, मतलब सी अगर आपने जवाब दिया तो इसके प्रश्न के उत्तर पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ। अगला है, पानी के साथ एसिड या नमक का विलयन जो एक सेल में प्रयोग होता है क्या कहलाता है? विद्युत अपघटन, एसिड का घोल, रासायनिक घोल। सभी लोग जवाब दीजिएगा क्योंकि मैं आपसे फिर से बता रहा हूं ये एनसीईआरटी की पूरी साइंस है और एनसीईआरटी कितना आपके लिए अहम और कितना महत्वपूर्ण ये बात आप भी जानते होंगे इस प्रश्न के साथ। बताइए फटाफट कमेंट करके, बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करिए। जी हाँ, पानी के साथ एसिड या नमक का विलयन जो एक सेल में प्रयोग किया जाता है उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। जी हाँ, प्रिया जी ने जवाब सही दिया है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा विद्युत अपघटन। अगर आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए दिया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है, मतलब ए वाले का उत्तर सही और राइट भी है। हम बढ़ रहे इसी के साथ नए सवाल की तरफ, नए प्रश्न की तरफ सभी के साथ। अगला है, किसी सेल में दोनों धातुओं की पत्तियां जानी जाती हैं, डाइपोल के नाम से, आर्मेचर के नाम से, इलेक्ट्रोड के नाम से। सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। किसी सेल में दोनों धातुओं की पत्तियां जानी जाती हैं, डाइपोल, आर्मेचर, इलेक्ट्रोड। जवाब सभी लोग दीजिएगा फटाफट कमेंट करके। किसी सेल में दोनों धातुओं की पत्तियां जानी जाती हैं, इलेक्ट्रोड। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ, नए प्रश्न की तरफ, हम आपके साथ ही चल रहे हैं, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है ना। अगला, सेल में ऋण आवेश किस धातु की प्लेट पर एकत्रित होता है? जिंक, कापर, एल्युमिनियम, लोहा। जितने लोग लाइव हैं वो सभी जवाब देंगे, चाहे आपका उत्तर गलत हो चाहे आपका उत्तर सही हो, जवाब सबको देना है। क्योंकि जब आप उत्तर देते हैं तब हमें भी ये समझ में आता है कि हाँ आपका कॉन्सेप्ट कितना हद तक तैयार हुआ है, कितना हद तक आप जवाब देने के करीब पहुंच रहे हैं। तो सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया है, कुछ लोगों ने गलत भी जवाब दिया है, लेकिन यहां गलती करिएगा परीक्षा हाल के अंदर गलती नहीं होनी चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। जी एस प्रश्न का उत्तर होगा जिंक। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर जिंक बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़े इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ। सेल में ऋण आवेश किस धातु की प्लेट एकत्रित होता है? बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब दिया, इसलिए मैं बार बार कहता हूं गलती भले हो लेकिन आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा सभी लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज आपके लिए। अगला है, सेल में ऋण आवेश प्रवाहित होता है कापर प्लेट से जिंक प्लेट की तरफ, जिंक प्लेट से कापर प्लेट की तरफ, जिंक प्लेट से एल्युमिनियम प्लेट की तरफ, एल्युमिनियम प्लेट से कापर प्लेट की तरफ। सभी साथी फटाफट अंदाज में जवाब देंगे। प्रश्न आपके बोर्ड पर, आपके डिस्प्ले पर, आपके सेलफोन में, आपके मोबाइल में, आपके डेस्कटॉप पर दिख रहा होगा। यह निशुल्क क्लास प्रतिदिन इसी समय आपके लाइव चलती है। यहां पर आपने एकदम उत्तर सही दिया है,
कि जिंक प्लेट से कॉपर प्लेट की तरफ। ये एनसीईआरटी की सीरीज आपके लिए अहम और इंपॉर्टेंट है। हम आगे बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ। वोल्टी सेल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अलेसांद्रो वोल्टा, विलियम गिलबर्ट, जेएफ डेनियल द्वारा। सभी लोग जवाब देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बैंक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। वैसे इसकी पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है दुर्गेश सर, बिना स्पेस के ई लर्निंग पे दुर्गेश आएगा। आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे ही टेलीग्राम पर जुड़ेंगे आप सारे प्रश्नों का जवाब फटाफट अंदाज में दे लेंगे। पीडीएफ मिल जाएगी, क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। वोल्टी सेल का सिद्धांत किसने दिया? तो जे एफ डेनियल के द्वारा दिया गया। सी वालों का जवाब यहां पे सही है। अब ऊपर हमने अलेसांद्रो वोल्टा का जो मैंने पढ़ा, देखिए यहां पे देखिए आपको शायद मिल जाएगा, आज के सेशन ही मैंने पढ़ा। देखिए प्रश्न नंबर अगर मैं 6 की बात करूं तो विद्युत धारा उत्पन्न करने में सफल प्रयास किया गया था अलेसांद्रो वोल्टा के द्वारा। यहां पे प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा, अलेसांद्रो वोल्टा के द्वारा। ठीक, इसके द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए। लेकिन अगर मैं बात आगे करूं, यहां पर इस प्रश्न की बात करूं मैं कि वोल्टी सेल का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था, तो जेएफ डेनियल के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 12 पूरी तरह साफ और स्पष्ट है। हम आगे चलते हैं फिर से नए सवाल की तरफ। अगला है, एक डेनियल सेल को बराबर दो भागों में विभाजित किया जाता है, एल्युमिनियम चद्दर से, संरंध्र झिल्ली से, एक कपड़े की झिल्ली से। ये प्योर एनसीईआरटी की प्रश्न बैंक है। एनसीईआरटी की नोट्स आपको ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर मिल जाएगी। आप वहां पे जाकर पढ़ सकते हैं प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। तो एक डेनियल सेल के जो बराबर दो भागों विभाजित किया जाता है संरंध्र झिल्ली से, मतलब इस सवाल का उत्तर सही है आपका भी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर भी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ, नए प्रश्न की तरफ। अगला है, डेनियल सेल में किसका घोल होता है? सभी लोग जवाब दीजिएगा, जिंक सल्फेट तथा कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड तथा कॉपर सल्फेट। सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट कमेंट करके। डेनियल सेल में किसका घोल होता है? अगर हम डेनियल सेल की बात करें तो यहां पर जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट का, ये इस प्रश्न का सही जवाब है। जो आपको ना है उस प्रश्न की स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर रख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर नोट संबंधी जानकारी घर बैठे आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। लर्निंग विद दुर्गेश के पेट है, एसएससी है, बीओ है, यूपी टेट है, सुपर टेट है, टीजीटी, लोअर पीसेस, आरओ आरओ, यूपी ट्रिपल एससी है, सी टेट, सभी परीक्षाओं के नोट्स आपको घर बैठे मिल जाएंगे। आप चाहे तो नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी के नोट्स होंगे, एससीईआरटी के नोट्स होंगे, इसके अलावा आपको मिल जाएंगे। आगे हम बात करें कि फ्रेंच वैज्ञानिक जॉर्ज लैक्लांसे ने शुष्क सेल को किस सन में विकसित किया था? 1966, 1866, 1766, इसमें से कोई है? जी, अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं और आप लोगों ने इस प्रश्न को देखा होगा तो यहां पर होगा 1866। 20 प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न नंबर 16 की हम बात करें, शुष्क सेल में धातु की टोपी कहलाती है, शुष्क सेल में धातु की टोपी कहलाती है, धनात्मक टर्मिनल, ऋणात्मक टर्मिनल, उदासीन टर्मिनल। तो सभी लोग जवाब दीजिएगा, यहां पर एकदम सही जवाब है आपका कि धनात्मक टर्मिनल टर्मिनल कहलाती है, टर्मिनल कहलाती है। एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया है। ठीक है, आप चाहे तो प्रश्नों की स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें। अगला है, शुष्क सेल में प्राय विद्युत अपघटन का प्रयोग किया जाता है, जो होता है अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड का पेस्ट, अमोनियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम क्लोराइड का पेस्ट, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 17 का जवाब सभी साथी दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। ये वीडियो फेसबुक पेज लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल लर्निंग विद दुर्गेश पर आप निशुल्क लाइव देख रहे हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा। सभी लोग जवाब दीजिएगा। जी हां, अमोनियम क्लोराइड की पेस्ट, अमोनियम क्लोराइड की पेस्ट। मैंने कहा जिसको आ रहा है वो भी जवाब दे, जिसको नहीं आ रहा वो भी जवाब दिया करे। ये सब कम से कम ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना परीक्षा के अंदर, आपको कौन से सवाल आ रहे हैं। अगला है, वोल्टी सेल, डेनियल सेल, सुस सेल जाने जाते हैं प्राथमिक सेल के नाम से, द्वितीयक सेल के नाम से, बैटरी के नाम से, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 18 का जवाब सभी साथियों को देना है। वोल्टी सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल जाने जाते हैं किस नाम से?
सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा प्रश्न नंबर 18 की। कमेंट करिए आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, एकदम सही जवाब लोगों ने दिया है प्राथमिक से। कम ही लोगों ने जवाब दिया लेकिन ए जिन्होंने दिया उसका जवाब सही है। अगला प्रश्न है, सन 1854 में किसने द्वितीय शिल्प को विकसित किया? गास्टन प्लांटे, विलियम गिलबर्ट, जेएफ डेनियल, अलेसांद्रो वोल्टा। में किसने द्वितीयक सेल को विकसित किया था? तो गास्टन प्लांटे ने किया था। मतलब इस सवाल का भी उत्तर क्या होगा? ए। अगर आपने इस प्रश्न का भी उत्तर ए बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। आप कहें तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। पदार्थ जिनमें धारा प्रवाहित होती है कहलाती है? विद्युत रोधी, प्रतिरोधक, विद्युत चालक। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम हलुआ सवाल है और यह एनसीईआरटी प्योर एनसीईआरटी है, इसलिए हम चाहेंगे इन प्रश्न का जवाब आप जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, बताइए। और आप लोग प्रतिदिन क्लास में टाइम से बने रह करें, टाइम तक के लिए सभी मित्रों को बता दीजिए क्लास कितने बजे चलती है। विद्युत चालक इस प्रश्न का सही जवाब है, मतलब बी वालों का जवाब यहां पर सही है, ठीक है। विद्युत चालक कहलाता है। पदार्थ जो स्वयं में धारा प्रवाहित नहीं होने देती क्या कहलाती है? प्रश्न नंबर 21 का जवाब दीजिएगा। विद्युत रोधी, विद्युत चालक, अभिग्राही। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, इस प्रश्न का जवाब आपके मन में आ जाएगा। बस प्रश्न को ध्यान से आपको पढ़ने हैं। एकदम सही आप लोगों ने बताया, विद्युत रोधी, ए वाला का जवाब सही है। कौन सा विद्युत रोधी नहीं है? सभी लोग जवाब दीजिएगा, कौन सा विद्युत रोधी नहीं है? तीन और एक नहीं है। लकड़ी विद्युत रोधी है, कांच विद्युत रोधी है, माइका विद्युत रोधी है, ग्रेफाइट नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी होगा। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया तो आप जवाब दे लेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक विद्युत का सुचालक नहीं है? प्रश्न नंबर 23 को ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। अगर ऊपर वाला नीचे वाला प्रश्न पढ़ेंगे आसानी से जवाब दे लेंगे। ऊपर वाले प्रश्न का जो विकल्प नीचे मिल गया वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, बताइए सभी लोग। सोना सुचालक, कापर है, सिल्वर है, लेकिन माइका देखिए ऊपर नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर यहां पर क्या होगा? डी। इन दोनों प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, इन दोनों प्रश्नों के स्क्रीनशॉट रख लिए, भविष्य में अगर ये प्रश्न आए तो गलती नहीं होनी चाहिए। इस बात को याद कर लीजिए, इस बात को रट लीजिए सभी लोग, दोनों प्रश्नों को कभी भी किसी भी दशा में ध्यान से पढ़िए। अगर प्रश्न को पूरा ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप गलती कर जाएंगे। सुचालक विद्युत रोधी का मतलब कुचालक हो गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर सबका? कोई डाउट किसी को? कोई हो तो पूछ सकते हैं आप। सेल का प्रतीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग जवाब दीजिएगा। देखिए नोट संबंधी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लासेस जनपद जौनपुर से आप सभी के लिए लाइव चलते हैं। इसमें सेल का प्रतीक कौन सा है? ये किसका प्रतीक है कमेंट कर बताइएगा। ये किसका प्रतीक चिन्ह है? ये किसका प्रतीक चिन्ह है? और ए, इस प्रश्न का उत्तर होगा ए। सेल का प्रतीक क्या होगा? ए होगा। किसी को डाउट हो पूछ सकता है। सेल का प्रतीक ए है, ध्यान से देखिए, ए होगा सेल का प्रतीक। आगे बढ़े हम, कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका। अगला है, पदार्थ जो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है क्या कहलाता है? विद्युत अपघटक कहलाता है, मैग्नेटाइट कहलाता है, लोहा कहलाता है, इसमें कोई नहीं कहलाता, बताइए। पदार्थ जो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है क्या कहलाता है? जवाब दीजिए सब लोग, निजे समय भी चल रहा आपके साथ साथ। उसे मैग्नेटाइट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मैग्नेटाइट कहते हैं। क्लियर हो कॉन्सेप्ट? मैग्नेटाइट का सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया था, उस पर पुस्तक लिखी?
विलियम गिलबर्ट, जेएफ डेनियल, अलेसांद्रो वोल्टा। बताइए आप लोग, ये पूरी एनसीईआरटी है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये पूरी एनसीईआरटी है। विलियम गिलबर्ट मैंने का सर्वप्रथम विलियम गिलबर्ट ने अध्ययन किया और अपने पुस्तक में भी लिखा। उनके पुस्तक का नाम क्या था जिसमें मैग्नेट के बारे में लिखा गया था, कमेंट करके बताइएगा। विलियम गिलबर्ट से जुड़ा हुआ, क्लियर है सबका ना। एक स्वतंत्र रूप से लटकी छड़ चुंबक स्वयं किन दिशाओं को इंगित करती है, एकदम हलुआ सवाल है, एकदम हलुआ है। मतलब जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो जवाब देंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान रख के बचपन में भी साइंस पढ़ा होगा, फिजिक्स पढ़ा होगा, तो इसका जवाब दे लेंगे। एक स्वतंत्र रूप से लटकी छड़ चुंबक स्वयं किन दिशाओं को इंगित करती है, उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ और साउथ। मतलब अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए दिया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ। दो चुंबकों के उत्तरी ध्रुव होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे के लिए उदासीन। बचपन में याद करिए, चुंबक टूट जाता था तो उनके दोनों अगर नॉर्थ पोल को आपस में लगे कि आपस में मिलते थे, बचपन में याद करिए, नॉर्थ हो या दोनों साउथ हो, याद करिए बचपन में जब कोई चुंबक टूट जाता था या हम लोग तोड़ देते थे, फिर उनके दोनों नॉर्थ पोल से तोड़ दिया तो दो के दो नॉर्थ पोल हो गए। क्या दोनों नॉर्थ पोल आपस में जुड़ते थे, माने एक दूसरे को आकर्षित करते थे या प्रतिकर्षित करते थे, या एक दूसरे के लिए उदासीन होते थे, उदासीन तो थे नहीं, या आकर्षित करते थे या तो प्रतिकर्षित करते थे, तो आप कमेंट करके बताइए वो क्या करते थे। 28 का जवाब सभी लोग दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट कमेंट करके। जी हां, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते थे, 20 प्रश्न का सही जवाब है। प्रिया जी ने सही बताया, त्रिवेणी जी ने सही बताया है, श्रीकांत जी ने गलत जवाब दिया है, प्रतिकर्षित करते थे। हम आगे चले गए सवाल की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, यही आपको बताना है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, और अगर उस प्रश्न को, पिछले प्रश्न को आप अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस सेशन को पढ़ रहे हैं। तो विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक, यही सत्य है, बाकी ये असत्य है, ये भी असत्य है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ही होगा। ध्यान समझिए, समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते नहीं, समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं। अभी पीछे हमने पढ़ा कि दो चुंबकों के उत्तरी ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जब दो चुंबकों के उत्तरी ध्रुव है तो नहीं होगा। यही भी कह रहा है कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यह भी गलत, ये भी गलत। यहां पर सही जो है वो आपका ए है कि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा हमेशा के लिए। अगला है, छड़ चुंबक हमेशा उत्तर दिशा में घूमकर इंगित क्या करते हैं, उत्तर दक्षिण दिशा में घूमकर क्या इंगित करती है। चुंबक लोहे की बनी होती है, चुंबक में दक्षिण तथा उत्तरी ध्रुव होते हैं, पृथ्वी स्वयं ही एक छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करती है। 30 का जवाब सभी साथी देंगे, और डेली क्लास में आप लोग एकदम टाइम से जुड़ जाया करिए। मैं आपको कई बार आपको बता चुका, मैं फिर से बता रहा हूं, डेली क्लास एकदम समय से समय तक बने रहा करिए, और इस वीडियो को सभी मित्रों को शेयर जरूर किया करिए। तो ध्यान रहे, पृथ्वी स्वयं एक छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करती है, इसलिए छड़ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में घूमकर इंगित करते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका, सी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी जवाब दिया है तो आपके उत्तर पूरी तरह से सही थे। अब भी दिया करिए कितने सेकंड में आपने सही प्रश्न का जवाब दिया है। पृथ्वी की चुंबक का दक्षिण ध्रुव पास है, भौगोलिक दक्षिण ध्रुव के, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के, भौगोलिक पश्चिमी ध्रुव के, इसमें से कोई नहीं।
एकदम आसान सा प्रश्न है और आप सभी लोग जवाब दे लेंगे। माने पृथ्वी की चुंबक का दक्षिण ध्रुव किसके पास होगा? सीधी सी बात है, दक्षिण ध्रुव दक्षिण के पास होगा, उत्तरी ध्रुव उत्तरी ध्रुव के पास होगा। तो इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, एक एनसीईआरटी है तो पृथ्वी की चुंबक का दक्षिण ध्रुव पास है। सभी लोग जवाब दीजिएगा, देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न में काफी लोग गलती करेंगे, बताइए फटाफट कमेंट करके जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर हम प्रश्न नंबर 31 की बात करें, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पृथ्वी की चुंबक का दक्षिणी ध्रुव पास है। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और हम आपको इसको बताएंगे। कुछ लोग ए बता रहे हैं दक्षिणी ध्रुव के पास है, इस पर भी हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपका। एक बार आगे हम लोग थ्योरीज की पढ़ लेंगे। कुछ लोगों ने गलती की, हम जैसे ये हो गया हमारा पृथ्वी का, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, लेकिन ये जो होता है ना इस तरह से होता है। ठीक, इस प्रश्न को हम लोग स्टार लगा देते हैं। आगे चलने अगले प्रश्न की तरफ। मिश्र धातु एलिनको यौगिक होता है किसका? एल्युमिनियम निकिल कोबाल्ट, एल्युमिनियम नाइट्रोजन कोबाल्ट, एल्युमिनियम निकिल कार्बन, एल्युमिनियम नाइट्रोजन कार्बन। बताइए सभी लोग, बताइए फटाफट कमेंट करके। ये देखिए इसका उत्तर आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, फिर इसके आगे हम लोग बताएंगे। 32 में क्या होगा? एल्युमिनियम हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट, मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका? ए। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम बात फिर से इसी के साथ नए सवाल नए प्रश्न की तरफ। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अगला है, विद्युत तथा चुंबकत्व के बीच संबंध स्थापित करके किसने एक महत्वपूर्ण खोज की? जेएफ डेनियल, एच सी ऑरस्टेटेड, विलियम गिलबर्ट। सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने इस वीडियो को देख रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा एच सी ऑरस्टेड, मतलब बी वाला का जवाब यहां पर सही है। हम चाहते हैं आप फटाफट अंदाज में सवालों के जवाब पढ़ते चले और आगे बढ़े। जब तार की कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली किसकी तरह व्यवहार करती है? अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, विद्युत अपघटक, इसमें से कोई नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आप लोग हर प्रश्न के साथ साथ बने रहिए। जब तार की कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली किसकी तरह व्यवहार करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अस्थाई चुंबक की तरह, माने बी वालों के जवाब यहां पर सही है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ आपके साथ ही साथ। ठीक है, यहां पे देखिए नोट समझने, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप ई लर्निंग पे दुर्गेश ऑफिस के नंबर पर बात कर सकते हैं। ये सभी क्लास आपके जनपद जौनपुर से चलती है। ठीक है, कोई सवाल कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। केवीएस है, सुपर टेट है, यूपी टेट, पुलिस यूपी ट्रिपल सी, यूपी ट्रिपल सी पेट, लेखपाल। अगला है, एक धारावाही कुंडली, अगर बात करें एक धारावाही कुंडली में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव चुंबक दोनों होते हैं, इस प्रकार की चुंबक क्या कहलाती है? सभी जवाब दीजिएगा, विद्युत परिपथ, धारा कुंडली, साधारण चुंबक, विद्युत चुंबक। जवाब दीजिए फटाफट। बताइए, विद्युत चुंबक, मतलब डी वाला जवाब यहां पर सही है। हम इसी के साथ बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ, नए प्रश्न की तरफ। ठीक, किसी को सवाल तो नहीं है ना। अगला है, एक युक्ति जिसमें विद्युत घंटी में लगे हथौड़े को आगे तथा पीछे करने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाती है? आर्मेचर कहलाती है, अंतरोधक कहलाती है, गुंजन कहलाती है, गुंजक, इनमें से कोई नहीं। अगर प्रश्न नंबर 36 की बात करें, इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, अंतरोधक कहलाती है। बी वाला जवाब यहां पर सही। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ जो आपके सामने है। अमेरिका में चुंबक के प्रयोग से बिजली उत्पन्न करने के
विपरीत प्रभाव को किसने खोजा था? माइकल फराडे ने, जोसेफ हेनरी ने, जेएफ डेनियल ने, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब दीजिएगा, जितने भी साथी मित्र इस सेशन को पढ़ रहे हैं, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को हमारे साथ देख रहे हैं। एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया है, जोसेफ हेनरी। मतलब बी अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर जवाब दिया तो सही है। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगला सवाल आपके सामने। एक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन के द्वारा वोल्टेज प्रवर्धित करने की घटना क्या कहलाती है? फ्यूजिंग कहलाती है, फेरिंग कहलाती है, विद्युत चुंबकीय प्रवर्धन कहलाती है, इनमें से कोई नहीं। बताइए चलिए फटाफट कमेंट करके। जी हां, आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा विद्युत चुंबकीय प्रवर्धन। मतलब सवाल का उत्तर है आपका सी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है तो जवाब सही। हम और आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। शुष्क सेल में किस धातु का पात्र प्रयोग किया जाता है? जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम। बताइए शुष्क सेल में किस धातु का पात्र प्रयोग किया जाता है? सभी जवाब दीजिए फटाफट। जिंक का इस प्रश्न का सही जवाब है। हम आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। आज का ये आखिरी सवाल है और आप लोग इस प्रश्न को फटाफट वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। डेली क्लास में एकदम टाइम से टाइम तक जुड़े रहिएगा। अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो ये क्लास पूरी तरह से आप सभी के लिए निःशुल्क होती है। हमारी देशित में, राष्ट्रित में, टेलीग्राम पर सब लोग जुड़े रहिएगा। नोट्स से संबंधित अगर कोई भी जानकारी चाहिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी सभी लोग ले सकते हैं। ये सभी क्लासेज आपके जनपद जौनपुर से लाइव चलती हैं। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को शेयर करिए, जवाब दीजिएगा क्या होगा। कौन सा शुष्क सेल का घटक नहीं है? ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे एनसीईआरटी के सभी नोट्स 6 से 12 तक हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। कल से आप लोग टाइम से रहेंगे क्लास में, ना कि आप लोग भी लोगों की तरह इंतजार करेंगे। टाइम से क्लास में रहिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जितने भी क्लास है उन सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाती है। टेलीग्राम पे आपको डेली की डेली हर क्लास की लिंक मिल जाती है। बाकी बहुत सारी निःशुल्क क्लासेस चलती हैं, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलती जाएगी। तो आप लोग वीडियो को शेयर करते रहेगा, खुद भी जुड़ेगा, अपने साथी मित्रों को जोड़कर भी रखिएगा। ठीक है, थैंक यू सभी का। इस प्रश्न का उत्तर होगा जिंक ऑक्साइड। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया तो आपका जवाब सही है। मतलब यही गलत है वही सही है। कौन सा शुष्क सेल घटक है? मैग्नीज ऑक्साइड है, अमोनियम क्लोराइड है, कार्बन की जिंक ऑक्साइड नहीं है। मतलब जो गलत है वही आपका सही, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी, क्योंकि पूछा है कौन सा शुष्क सेल का घटक नहीं है, इसलिए मैग्नीज ऑक्साइड है, कार्बन है, अमोनियम क्लोराइड है, लेकिन जिंक ऑक्साइड नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका? बी। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो सेशन के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में, फेसबुक पे देख रहे फेसबुक पे शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाते रहिएगा। रिवीजन सीरीज एनसीईआरटी साइंस के आपके लिए काफी अहम और काफी महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन की तरह हम फिर इसी समय आपके लिए लाइव होंगे इसी चैनल पर ई-लर्निंग विद दुर्गेश के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लोगों